हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग 11 एजी मैथ में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम 11 एजी मैथ बुक तो पूरा समाप्त हो गया है हम लोग का, उस पर सारा वीडियो बन चुका है। हालांकि अभी विद्यालय में सिलेबस जहां तक पहुंचा हो, बेलन शंकु ये सब तक पहुंचा है, तो हम टेस्ट पेपर फर्स्ट टेस्ट पहला टेस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम 17 क्वेश्चन, जैसे पेपर होता है ना, पेपर के पैटर्न पर ही हमने क्वेश्चन को बनाया है। और जैसे पेपर में कितने कितने नंबर का क्वेश्चन होता है वो, और 17 क्वेश्चन टोटल 50 नंबर का कैसे होगा, उसी के आधार पर हमने टेस्ट पेपर बनाया है। आप लोग उसका अभ्यास करिए, आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग पहले ये देख लें कि पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कुल टोटल कितने अंक का होता है पेपर, और कुल पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, और उस पेपर को पास आउट करने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना अनिवार्य है। मैं 11 एजी की बात करूं और अन्य स्ट्रीम की बात करें तो उसमें जैसे मान लीजिए कि अगर 50 नंबर का पेपर है और 17 नंबर पासिंग मार्क है, और बाय द वे आपका 16 नंबर आ गया, तो एक नंबर आपको गेस मार्क दे करके प्रमोट कर दिया जाता है, उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा ग्रुप है, अपवाद कह लीजिए इसमें, कि अगर मैथ का पेपर 50 नंबर का है और आपने 16 नंबर लाया तो आप फेल हो जाएंगे। इसमें आपको 50 में 17 नंबर पासिंग मार्क है तो 17 नंबर लाना ही लाना है। अब उसमें टीचर की मर्सी हो, 16 नंबर आ गया तो टीचर की मर्सी हो कि बच्चा 16 नंबर पाया है, एक नंबर की वजह से इसका बैक हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा वो तो उसके ऊपर है। लेकिन कॉपी पर 17 नंबर कम से कम होना अनिवार्य है। पास अगर आपको पास घोषित करना है तो कॉपी पर आपके कम से कम 17 नंबर होने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या पैटर्न होता है पेपर का। तो देखिए, पांच तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। पहला क्रम संख्या में प्रश्नों का क्रम यानी कि जो पहला प्रश्न होगा, प्रश्नों का क्रम यानी कि कुल 17 प्रश्न है, 17 में पहला प्रश्न जो होगा उसमें प्रश्नों की संख्या तो एक होगी और अंक एक होगा और कुल 5 होंगे, यानी कि पहले प्रश्न में 5 खंड ए बी सी डी ई या क ख ग घ अंग कर दें, ये इसके 5 खंड होंगे और प्रत्येक खंड एक एक नंबर के, यानी कि टोटल 5 नंबर, पहला प्रश्न 5 नंबर का होगा। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब एक एक नंबर का होगा। ये इस तरह के 5 प्रश्न होंगे, 1 2 3 4 5 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न एक एक नंबर का, यानी टोटल 5 नंबर। फिर उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ये 2-2 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5 और प्रत्येक 2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर हो गया। उसके बाद 12 13 14 ये 3 प्रश्न हुए और ये 4-4 नंबर के, तो 12 हो गया। फिर उसके बाद लास्ट ये नंबर गेनिंग होता है, अगर कहीं मेरा मानना है कि अगर ये और ये चौथा क्रम और पांचवा क्रम अगर के तैयार हो जाए, 30 नंबर का होता है ये, अगर तैयार हो तो कोई हिला नहीं सकता है पास होने से। तो मेरी शुभकामना है कि सिर्फ आप लोग पेपर पास होने के लिए मत दीजिए, अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए दीजिए। तो इसके बाद देखिए, जो पहला क्वेश्चन होगा वो हमने तो लिख दिया है घातांक समांतर गुणोत्तर,
बल्कि ये पूरा जो चैप्टर है 30% कटौती के बाद जो आएगा, सब में से एक एक नंबर का जो बहुविकल्पी होता है उसको कहते हैं बहुविकल्पी, वो पूरे किताब से कहीं से भी आ सकता है। हमने यहाँ पर लिख दिया घातांक समांतर गुणोत्तर, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये घातांक समांतर गुणोत्तर इसी में आना चाहिए, ये 5 नंबर में आना चाहिए, और ये 5 नंबर पूरे बुक से, ये पूरे किताब से ऑब्जेक्टिव आएगा। दूसरा है 2 3 4 5 6 जो होगा वो घातांक समांतर गुणोत्तर और त्रिकोणमिति, इन सब से पूरा मिला करके ये 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है वो पूरी किताब से। फिर उसके बाद तीसरे क्रम पे आवे तो 7 8 9 10 11, यानी कि 5 क्वेश्चन है प्रत्येक दो दो नंबर का, और ये 10 नंबर का जो है घनाभ घन बेलन शंकु इससे आना है। चौथा क्रम पे है 12 13 14 12 13 14 क्वेश्चन जो है 4 4 नंबर का होता है, 3 प्रश्न, और ये 12 अंक का कोऑर्डिनेट से आता है, निर्देशांक ज्यामिति से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 15 16 17, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है, 6 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 18 नंबर का, और सांख्यिकी से आएगा। सांख्यिकी का मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का सारणीयन, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, और 30% कटौती के कारण गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य इस बार कट गया है, उसको नहीं पढ़ना है। तो ये है स्वरूप पेपर का किस तरह से आएगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर के विधिवत आप एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं टेस्ट पेपर में क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लिख दिया है, इसके बाद इसको मिटा करके आगे लिखते हैं। टेस्ट पेपर 1 में ये हमने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 है क ख ग घ ङ, 5 पार्ट हैं इसके। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से एक क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 क्वेश्चन है, तो अभी 4 क्वेश्चन रह गया है, तो इसको मैं मिटा करके शेष 4 जो है उसको नोट कर दे रहा हूँ, 17 क्वेश्चन हो जाता। तो फिर उसके बाद अच्छा ये जो क्वेश्चन हो रहा है, 17 क्वेश्चन जो मैं लिख दे रहा हूँ इसे, ये इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को अपने से हल करने का प्रयास करिए, ठीक है। अपने से हल करने का प्रयास करिए, जो नहीं समझ में आता है इसमें मैं उन सभी क्वेश्चन को हल भी कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के बाद जो आगे वीडियो आगे बढ़ेगी तो इसका सोल्यूशन होगा, इन सभी क्वेश्चनों का, 17वें क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, तो आप लोग जो कन्फ्यूजन होगा तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो शेष 4 क्वेश्चन है हमने यहाँ लिखा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, तो इस तरह से 17 क्वेश्चन का पैटर्न है टेस्ट के लिए। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस कीजिए, और मैं बारी बारी से हल भी कराऊंगा। तो अभी मैं इसको मिटा करके ये जो 5 क्वेश्चन है इसको हल कराते हैं इधर, ये इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी खंड हल कीजिए, सभी एक एक नंबर का है, 5 पार्ट है, क ख ग घ ङ। तो क है इसका सोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन है सरल कीजिए, किसका, 2 पावर 2/3 × 2 पावर -2/3। ये देखिए ये बेस आधार जो है समान है, तो जब आधार समान है और गुणा कर रहे हो तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पावर 2/3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2/3, ये कट गया, यानी हो गया 2 पावर 0, और किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद 1 का ख, 6 में है श्रेणी 5 9 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए,
पाँच नौ तेरह का दसवां पद। तो यह देखिए प्रथम पद ए बराबर पाँच, डी इसमें से इसको घटा दें नौ माइनस पाँच यानी कि चार, और दसवां पद पूछ रहा था इसका मतलब कि एन बराबर दस। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जब हमको दसवां पद ज्ञात करना हो एन की जगह दस रख देंगे यानी ए टेन हो जाएगा, और ए का मान पाँच प्लस एन की जगह दस माइनस वन, डी का मान चार, कितना हो गया पाँच प्लस नौ गुणे चार, नौ चौके छत्तीस, पाँच प्लस छत्तीस कितना हो जाएगा इकतालीस, यानी कि दसवां पद जो होगा इसमें का वो इकतालीस होगा। इसे भी देख लीजिए पाँच चार नौ चार तेरह चार सत्रह, चेक कर रहा हूँ सत्रह चार इक्कीस चार पच्चीस चार उनतीस चार तैंतीस चार सैंतीस और चार इकतालीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है तो दसवां इकतालीस हो गया। ये हो गया ग पार्ट। यदि साइन थीटा बराबर तीन बटे पाँच तो टेन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर तीन बटे पाँच तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग ट्रायंगल का प्रयोग करके करेंगे, ए बी सी ये थीटा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण ये लंब हो जाएगा, तो ये है तीन बटे ये तीन और पाँच, ए बी ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मीन्स पाँच का वर्ग माइनस तीन का वर्ग, पच्चीस माइनस नौ सोलह कितना हो गया चार, तो टेन थीटा ये चार हो गया ना, तो टेन थीटा बराबर लंबटा आधार यानी कि ए सी बटा ए बी, ये ए बी बराबर है, ए सी का मान कितना है तीन, ए बी का मान चार, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है और देख लेते हैं वन का घ पार्ट। थ्री टेन थीटा माइनस टू साइन थीटा, थ्री टेन ए माइनस टू साइन ए बटे में फाइव सेक ए का मान ज्ञात करना है। इसको कर देंगे वन बाई कास, कास ऊपर जाएगा यानी कि ऊपर हो गया कॉस ए, थ्री इसको बदल देते हैं साइन ए बटे कास ए माइनस टू साइन ए और बटे में फाइव, तो वन बाई फाइव इधर कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे तो देखिए कास कास कट जाएगा थ्री साइन ए, थ्री साइन ए माइनस टू साइन ए कास ए, ठीक है तो वन बाई फाइव थ्री साइन ए माइनस साइन टू ए, ये आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट देखेंगे, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि वन बाई बी सी वन बाई सी ए वन बाई ए बी भी समांतर श्रेणी में है। क्या कह रहा है, ए बी सी किसमें हैं, समांतर श्रेणी में हैं। अच्छा देखिए जब तीन पद समांतर श्रेणी में हैं तो उन तीनों पदों में किसी भी संख्या समान संख्या से गुणा करें भाग करें जोड़ करें घटाव करें, श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम इसमें ए बी सी से भाग देने जा रहे हैं, क्या मिलेगा हमको ए बाई ए बी सी
बी बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से क्या बचेगा, ये समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में हैं, तो वन बाई बी सी, वन बाई सी ए, वन बाई ए बी समांतर श्रेणी में हैं, ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का सलूशन है, सिद्ध करो कि साइन ऑफ 60 प्लस ए प्लस साइन ऑफ 60 माइनस ए बराबर ऐसे है, साइन ऑफ 60 प्लस ए प्लस साइन ऑफ 60 माइनस ए बराबर रूट थ्री कॉस ए। तो एलएचएस ले लें, यह है तो एक ही नंबर का, एक नंबर का है, तो चलिए साइन 60 अंश कॉस ए, साइन ए कॉस भी होता है ना, तो साइन 60 अंश कॉस ए प्लस कॉस 60 अंश साइन ए प्लस साइन 60 अंश कॉस ए माइनस कॉस 60 अंश साइन ए, ये कट गया इससे, और ये हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ए, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस ए, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, रूट थ्री कॉस ए, ये लेना था आरएचएस। क्वेश्चन नंबर थ्री, उस आयताकार ठोस का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 40 30 20 है, एल बराबर 40 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर, एच बराबर 20 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है, फार्मूले पर ही है, बी बराबर एल बी एच मीन्स 40 गुड़े 30 गुड़े 20 मीन्स 3 जीरो 2 3 6 6 24 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लगेगा है ना, यहाँ का सेंटीमीटर, यहाँ का सेंटीमीटर, यहाँ का सेंटीमीटर, गुड़ा होके सेंटीमीटर पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सोल्यूशन देख लिया जाए, ये सोल्यूशन चल रहा है, इधर क्वेश्चन है, बिंदु ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा और मूल बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो अगर इसको x1 कर लें, इसको y1, x2, y2, तो दूरी d बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, आप यहाँ पर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग है तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए मान रखते हैं x2 0 माइनस 0 माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, 0 में से इतना घटेगा तो माइनस a साइन अल्फा स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो वन हो गया, और ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ए आएगा,
ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दो पद है, जब दो पद होता है तो उनका समांतर माध्य दोनों पदों का योगफल बटे में दो करते हैं, तो यहां पर समांतर माध्य क्या हो जाएगा? बराबर पहला पद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस दूसरा पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कुल के बटे दो। ब्रैकेट तोड़ दें तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बटे में दो, ये तो कट गया, क्या हो गया टू ए स्क्वायर बटे में दो, दो तो कट गया तो क्या हुआ ए स्क्वायर इन दोनों पदों के बीच का समांतर माध्य होगा, एवरेज इसको कहते हैं एवरेज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों छोटे छोटे हैं इसलिए हमने दो क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने विभिन्न पारियों में 14 20 6 28 34 36 रन बनाए, 6 पारी है, 1 2 3 4 5 6 पारी, तो रनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का मतलब हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है समांतर माध्य बराबर सॉल्यूशन, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब कि जितने पद हैं सबको जोड़ दें, तो 14 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 36 डिवाइडेड बाई पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 छः है, जोड़ दें 4 6 10 18 24 28 ठीक है, 5 3 8 2 10 2 12 13 अच्छा पूरा 6 2 12 36 18 हो गया कितना 23, यानी कि उसकी रनों का जो समांतर माध्य है वो 23 होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए, ये देखिए यहाँ पर हम लोग ले लें LHS, LHS में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बटे में साइन ए कास ए माइनस साइन बी कास बी, ऐसा करें ना, दो से ऊपर दो से नीचे हम गुणा कर दें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दो से गुणा करेंगे तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कास ए माइनस 2 साइन बी कास बी। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है, और यहाँ पर ये साइन टू ए हो जाएगा और ये साइन टू बी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन ए प्लस बी ऑफ सॉरी साइन ऑफ ए माइनस बी बटे में साइन 2a माइनस साइन 2b। अब देखिए ऊपर तो हो गया ठीक है, अब नीचे ये साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा देंगे, इसमें साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। देखिए फार्मूला तो याद होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन
ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बटे में टू साइन सॉरी कॉस पहले कॉस टू ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन टू ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू। टू से टू कट गया तो यहाँ हो गया ऊपर साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी बटे में ये देखिए टू कॉमन ले लेंगे तो टू से टू कट जाएगा, यहाँ भी टू से टू कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी और इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये साइन वाला तो कट गया, साइन ऑफ ए प्लस बी बटे में कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी और यही आर एच एस भी हो जाएगा क्योंकि एल एच एस लेकर चले थे तो आर एच एस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर नाइन दो क्वेश्चन को हमने फिर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर एट है एक आयताकार ठोस के तीन आसन्न फलकों के क्षेत्रफल ए बी और सी है और उसका आयतन वी हो तो सिद्ध करो कि वी स्क्वायर बराबर ए बी सी। आसन्न फलक, आसन्न फलक को मैं कैसे बताऊं, चलिए इसको ले लेता हूं। ये देखिए एक आयताकार ठोस की आकृति है, आयताकार लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसमें हम आसन्न फलक की बात करें तो आसन्न फलक का मतलब कि जिसे अगर हम कोई भी जैसे एक भुजा ये ले लिए, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब इन तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा सरफेस होगा उसी को आसन फलक कहेंगे। जैसे इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्र ये, इसमें क्या लेंगे चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे, इस ऊंचाई और इस लंबाई से घिरा हुआ क्षेत्र ये जिसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे ऊंचाई होगा, इससे 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 तो इससे घिरा हुआ ये क्षेत्र मिल गया यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई से लंबाई और ऊंचाई से घिरा हुआ क्षेत्र ये मिल गया और एक क्षेत्र ये है ना, ऐसे लिया है ना, तो इससे ये भी तो टच कर रहा है ये, तो इसको हम ले लें क्या क्या मिलेगा लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ये हो गया। तो कैसे आसन फलक हम ले लें इसको, आसन फलक हम इसको 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 ले लिए, ठीक है। अब इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्र हमारा ए बी ई एच है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखें माना ए बी ई एच का क्षेत्रफल बराबर ए, ठीक है, इसको ए बी ई एच जो फ्रंट का होगा, बगल का जो है बी सी एफ ई, बी सी एफ ई का क्षेत्रफल बराबर मान लेते हैं बी, और इसके बाद नीचे का ए बी सी डी लिखें ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर सी मान लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए गुणनफल है और ये चूंकि घनाकार आकृति है तो घनाकार आकृति का घनाकार आयताकार ठोस का सॉरी घनाकार हम बोल दिए गलत बोले हैं घनाकार नहीं आयताकार ठोस का आयतन यहाँ पर लिखेंगे आयताकार ठोस का आयतन
बराबर क्या होता है, एल बी एच लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये एल है, ये बी है और ये एच है। अच्छा एक चीज ये और भी है, ए बी ई एच का क्षेत्रफल ए मान लिए, ए का मान कितना होगा, ए बी ई एच, ए बी ई एच का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो देखिए लंबाई और ऊंचाई इसमें आ रहा है, यानी कि एल गुणे एच। बी सी एफ ई, बी सी एफ ई यानी कि बगल का साइड का, तो उसमें बी आएगा एच आएगा, ये हो गया बी गुणे एच। ए बी सी डी का क्षेत्रफल सी, सी बराबर ए बी ए बी सी डी यानी कि सरफेस नीचे का, एल और बी आएगा, एल गुणे बी हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसका मान हो गया v बराबर एल बी एच, समीकरण नंबर इसको एक कर दें। अब चूंकि ए बी सी लाना है तो ए बी सी ऐसे है तो हम ए बी सी का मान निकाल लें, ए बी सी बराबर a का मान कितना है, l गुणे एच गुणे b का मान कितना है, b गुणे एच गुणे c का मान कितना है, l गुणे b। अब देखिए ए बी सी एल दो बार है, एल स्क्वायर सब बुरा है तो एल स्क्वायर होगा, बी दो बार है बी स्क्वायर, एच भी दो बार है एच स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे कर दें एल बी एच का होल स्क्वायर, है ना। और अब ये हो जाएगा ए बी सी समीकरण दो, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ये देखिए वी है आयतन, एल बी एस बराबर वी, इसकी जगह वी रख देंगे चूंकि स्क्वायर लगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर ए बी सी, यानी कि मिल जाएगा हमको क्या, वी स्क्वायर बराबर ए बी सी, यही प्रूफ भी करना था, हो गया सिद्ध हो गया, यहाँ पर हो जाए लिख देंगे सिद्ध, ठीक। क्वेश्चन नंबर नाइन में आते हैं, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है h बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी r रेडियस कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है r स्क्वायर h, मान रख दें 22 बटे 7 गुणे आर का मान 7, तो स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 दो बार लिख दें, एच 10, एक साथ से एक साथ कट गया तो 70, 0 7 दोनों के 14, 7 दोनों 14 एक 15, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो गया, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है ना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इस यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, 1 2 3 तो पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πRh, 2π का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 10, 7 से 7 कट गया तो 44 440, देखिए वक्रपृष्ठ है ना, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, एक ही आंसर, ये एक ही आंसर, ये दो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा गया जिसकी प्रत्येक कोर 18 सेंटीमीटर लंबी है। एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा, घन की सभी भुजाएं बराबर होंगी,
ठीक है, ये 18 होगा, ये भी 18 होगा और ये भी 18 होगा, ठीक है ना, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो कह रहा है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन, बड़े से बड़े का मतलब क्या हुआ, इसमें से ऐसा शंकु निकाला जाए कि जिसका आधार इस घन के आधार से कटा हो, एकदम पूरा नीचे तक ले लें और सबसे टॉपर तक ले लें, सबसे ऊंच ऊपर तक ले लें, यानी कि शंकु की ऊंचाई घन के ऊंचाई के बराबर हो जाए, घन की ऊंचाई के बराबर हो जाए। कहने का मतलब कि इस घन से काटे गए सबसे बड़े से बड़े शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए और व्यास क्या होना चाहिए, व्यास भी 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो है घन के चारों भुजाओं को, चारों सतह को टच करते हुए जाएगा, एकदम पूरा नीचे वाला जो है पूरा टच करते हुए निकलेगा। तो व्यास, व्यास भी 18 सेंटीमीटर होगा क्योंकि इस साइड से इस साइड तक है ना, तो ये भी 18 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि शंकु का व्यास भी 18 सेंटीमीटर होगा और शंकु की ऊंचाई भी 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किस कंडीशन के लिए, बड़े से बड़े शंकु के लिए। तो यहां पर लिखेंगे बड़े से बड़े शंकु के लिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है बेलन घन के ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, शंकु की ऊंचाई बराबर घन की ऊंचाई, और ये कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई h बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। चलिए अब शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बराबर भी 18 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास 18 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर, 9 हो गया। अब कह रहा है कि बड़े से बड़े शंकु का आयतन, आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 और पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर 9 × 9 और ऊंचाई 18 कर देते हैं, इसी को काट देते हैं, तो 9×9 = 81 मीन्स 6 का गुणा कर देंगे, 6×6 = 48 सेंटीमीटर क्यूब। पाई, चूंकि ये 7 से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो पाई ही रहने देते हैं, इतना घन सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक लंबवृत्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मैं टेस्ट का सलूशन करा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम डीप में सवाल को नहीं समझा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको केवल हिंट की आवश्यकता है, तो मैं हिंट के अनुसार ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक लंबवृत्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है और h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो
क्या हो जाएगा, देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो ये हो गया 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, या आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7/2, इससे काट देंगे तो 7 होगा, तो आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे देखिए 7 दो बार है ना, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो गया, आर निकल गया, एच दिया ही है, एच बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है, बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल 154 ऊंचाई 15, गुणा कर दें 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75 = 81, 15 × 15 = 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ये आंसर हो जाएगा, और वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ बराबर 2πRh, तो 2 × π का मान रखा जाए, हाँ 22/7 / आर का मान 7 और एच का मान 15, आर 7 और एच 15, 7 से 7 कट गया, तो 15 × 29 और 22 × 66 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएंगे। वक्रपृष्ठ 660 और आयतन 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 1/x − 1/y x − y का प्रतिलोम अनुपाती है, तो सिद्ध करो कि x² + y² बराबर xy। तो यह इसका प्रतिलोम अनुपाती है, तो क्या हो गया 1/x − 1/y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x − y। ये लघु उत्तम ले लेंगे तो y − x/xy इज प्रोपोर्शनल टू 1/x − y, या ऐसा कर देना, यहाँ बराबर का निशान लगा करके m इंटू ऐसा कर दें। अब इसको इधर लाएं, इसको इधर ला दें, तो y − x, x − y बराबर mxy, विचरण का सवाल है ये। यहाँ से अगर के हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा x − y बराबर mxy। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब तोड़ ये x − y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, x² + y² − 2xy बराबर mxy।
तो ये माइनस उधर भेज दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर माइनस एम एक्स वाई। टू एक्स वाई को उधर ले जाएं, इसलिए कि एक्स वाई कॉमन मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू एक्स वाई माइनस एम एक्स वाई, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। या ऐसे करें, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो टू माइनस एम और यहाँ हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए बराबर का निशान और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टू माइनस एम कांस्टेंट है ना। तो बराबर और कांस्टेंट को हटा करके हम ये प्रोपोर्शनल का निशान लगा सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस बार हो जाएगा अनुक्रमानुपाते एक्स एक्स वाई, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न सारणी से आयतित बारंबारता बहुभुज तथा संचयी बारंबारता वक्र बनाइए। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, एक ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में आयत चित्र बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है, संचयी बारंबारता वक्र बनाना है। तो एक चीज ये ध्यान दे दीजिएगा कि आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज एक ही में बनता है और संचयी बारंबारता वक्र अलग। ये हो जाएगा संचयी बारंबारता वक्र, और ये आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज, आयतचित्र बारंबारता बहुभुज एक में बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49। ये उल्टा दिया हुआ था, हमने इसको सीधा किया है, पहले ये ऊपर से ऐसे करके नीचे दिया था। तो यहाँ पर देखिए जब हम आयत चित्र जब बनाते हैं तो उसमें वर्ग अंतराल क्रम से होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है देखिए, गैप है 25 से 29 और 30 से 34। यहाँ पर 29 से अगर देता तो क्रम से हो जाता क्योंकि आयत चित्र सटा हुआ होता है। तो यहाँ पर नहीं ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, एक का अंतर है ना, एक का अंतर है तो 0.5 0.5 इसमें से 0.5 घटा देते हैं, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, एक बढ़ जाएगा तो सट जाएगा आयत चित्र जो है वो तब सट जाएगा। तो संशोधित क्या कर देंगे, 24.5 29.5 हो जाएगा। फिर अब 29.5 से 34.5 और 34.5 से 39.5 और 39.5 से 44.5 और 44.5 से 49.5, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। आयत चित्र खींचना है तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैसे होगा, ये 12 ऐसे उतार देते हैं, फिर इसमें 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, ये संचयी बारंबारता हो गया। चलिए पहले आयत चित्र बना लेते हैं। आयत चित्र के लिए देखिए वर्ग अंतराल 24.5 ऐसे दिया हुआ है, तो 24.5 29.5 ये हमने लिख दिया है, 24 29 यहाँ पर गलत हो गया, ये गलत हो गया, फिर यहाँ पर 34.5, 34.5 39.5, 44.5 और 49.5, ये इतना। तो अब ये देख लें कि 24.5 से 29.5 में बारंबारता कितना है,
24.5 से 29.5 में बारंबार था इतना है, यानी कि ये जो आयत बनेगा यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा बनेगा। तो आयत को हम खींच देते हैं, इसको ऐसे मिला दीजिए, जितना बारंबारता रहेगा उतनी ऊंचाई तक आयत जाएगा। फिर 29 से 34 में कितना है, 10 है, 10 यानी यहाँ तक। तो ऊंचाई कितना लेना होगा हमको, ये ध्यान दीजिएगा कि आयत की चौड़ाई हर जगह हर अंतराल में समान होगा, ये 10 है। दस हो गया। फिर उसके बाद 34 से 39 में 5 है, 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में यहाँ पर। तो ये खींच देते हैं ऐसे, और ये ऐसे हो गया, ये 5 हो गया। फिर 39 से 44 3 है, 3 का मतलब 2 और 4 के बीच में यहाँ ना, तो ये आएगा यहाँ पर। ये हो गया, और 44 से 49 2 है, ये 2। तो इसको ये हो गया आयत चित्र, ये तो हुआ आयत चित्र। लेकिन इसी में ही बारंबारता बहुभुज भी बनाना है। तो बारंबारता बहुभुज में देखिए, जब ग्राफ पेपर लेंगे ना तो उसमें एक खाना 10-10 लाइन की बनी होती है, जिसमें बीच वाला जो है एकदम सेंटर वाला जो होता है वो मोटा होता है, पांचवा लाइन जो है मोटा होता है। इसमें हम लोग सिर्फ अभी देखिए अंदाज से ही लेना पड़ेगा, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसको क्या करना है ना, स्केल से मिलाना है। और शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, यहाँ जहाँ से शुरू है ना पहले उसको ले लेंगे, यहाँ पहले ले लेंगे और फिर लास्ट में यहाँ तक मिलाएंगे, इसको भी मिला देंगे, लास्ट में मिलाना होता है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, इसको छोड़ देते हैं, इसको इसको तो मिला देते हैं, इसको इसको छोड़ देते हैं। तो क्या करिए ना, पहले ही मिला दीजिए या बाद में मिलाइए अपने हिसाब से। ये इसमें मिल गया, फिर इसके बाद बारंबारता बहुभुज और संचयी बारंबारता वक्र में ये अंतर है कि ये स्केल से खींचा जाएगा, बारंबारता बहुभुज स्केल से खींचा जाएगा, एकदम सीधा होना चाहिए, जबकि संचयी बारंबारता फ्री हैंड खींचा जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिला देते हैं इससे, और इसको मिला देते हैं इससे, ये हो गया हमारा आयत चित्र हो गया और बारंबारता बहुभुज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए हमने बना दिया, वर्ग अंतराल वही रहेगा। संचयी बारंबारता के लिए इसमें हम पैमाना मान लेंगे 32, 30, 27 इस तरह से है ना, तो 3-3 का मान लेते हैं, 11 खींचना पड़ेगा, 6-6 का मान लेते हैं, 56, 36, तो 6, 12, 18, 24, 30 और 36। अब देख लेते हैं संचयी बारंबारता वक्र कैसे बनेगा। इसके लिए संचयी बारंबारता बनाया हमने, अंतराल ले लेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 का अंतराल ले लेंगे, इसमें सब आ जाएगा। अब देखिए 24.5 से 29.5 यानी कि 24 से 29 वाले में संचयी बारंबारता कितना है, इसमें फ्री हैंड कितना होता है, सिर्फ पॉइंट को लोकेट करते हैं, पॉइंट को दर्शाते हैं। और देखिए कहां बिंदु लेंगे ये भी देख लीजिए, 24 से 29 तो 29 वाले के सीध में लेंगे, 29 के सीध में कितना, 12, ये यहां पर 29 के सीध में।
29 से 34 में 22, तो 34 बनेंगे, 29 और 34 में 34 बनेंगे, कितना 22, एकदम ऐसे सीध में जाएंगे कहां तक, यहां तक 24 से थोड़ा सा कम इसके सीध में है, ठीक है। फिर 39 पर कितना लेना है, 27, 39 पर कितना लेना है, 27, 27 मतलब 30 से कम, ये 39 के सीध में हो गया। 44 पर 30 है, 44 पर 30 से इसी से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, बस ये 30 हो गया। और उसके बाद 49 पर 32, 49 पर 32 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये अब इसको क्या करना है, फ्री हैंड खींचना है, स्केल से खींचने की जरूरत नहीं है। और शुरुआत हम यहां से करेंगे और सिर्फ यहां तक, इसमें क्या था बारंबार था बहुत में, यहां से शुरू किए और लास्ट में भी टच कराए उसको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ फ्री हैंड खींचेंगे, देखिए फ्री हैंड में थोड़ा सा ऐसे कर लो, एक ऐसे मिला दी, फिर उसके बाद ऐसे कर दिए, फिर इसमें मिला दिए, ये हो गया, फिर ऐसे मिला दिए, ये हो गया संचयी बारंबारता वक्र। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बल्कि अगर पॉइंट देना हो तो आप पॉइंट दे सकते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, चाहे तो नाम दे सकते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, गणित की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के 50 अंकों में प्राप्तांक निम्नलिखित है, गणित की परीक्षा है, 50 नंबर का पेपर है, जिसमें से 25 विद्यार्थियों के अंकों के प्राप्तांक, मतलब 25 विद्यार्थियों ने इस तरह से अंक प्राप्त किए, 10-10 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। क्या करना है, 10-10 का वर्ग अंतराल लेना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जितना भी है। तो इसमें कहां तक ले वर्ग अंतराल, तो 0 तो 0 से छोटा कुछ होगा नहीं, तो 0 कम से कम 0 तो होगा ही होगा, मतलब बहुत कम लड़का नंबर पाएगा तो 0 पाएगा, तो 0 हो गया, और अधिक से अधिक कितना पाएगा, 50 पाएगा, तो वर्ग अंतराल हमारा 0 से लेकर के 50 तक 10-10 के अंतराल में होगा, क्या क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक, ये हो गया। अब हमको ये पता करना है, 0 से 10 के बीच कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए, यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसमें खोजे हम, एक है ना, एक दो तीन, ये हो गया तीन, 10 से 20, एक दो तीन चार पांच छः सात सात, देखिए इसमें हमने 20 ले लिया है, 20 से 30, एक दो, अच्छा 30 में कर दिया ना, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ हो गया, 30 से 40, तीस तो हमने ले लिया है, 31 से शुरुआत करेंगे, तो एक दो तीन तीन,
और 40 से 50, एक दो तीन। अब ये बारंबारता है ना, इसको ये तो बन गया का बारंबारता है, संचयी बारंबारता सारणी तैयार कर, सारणी तैयार करना है, इसका कोई ग्राफ वगैरह नहीं खींचना है, इसका आयत चित्र बारंबारता बहुभुज ये सब नहीं खींचना है, सिर्फ ये सारणी बनानी थी। बारंबारता सारणी तो होगी लेकिन इसको काउंट करके देख लेंगे कि क्या ये 50 है, तो जोड़ेंगे 3, 7, 10, 9, 19, 3, 22, 3, 25 विद्यार्थी है ना, तो ये कोई 25 होना चाहिए, तो 7, 3, 7, 10, 9, 19, 3, 22, 3, 25 तो ये ठीक हो गया। अब इसके बाद संचयी बारंबारता सारणी भी बनानी है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है तो हमने ये लिख दिया है, तो संचयी बारंबारता सारणी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करते हैं, पहले ऐसे उठा कर देते हैं, ये हो गया 3, फिर इसमें जोड़ करके तब सामने रखते हैं, तो 3, 7, 10, 10, 9, 19, 19, 3, 22 और 22, 3, 25 ये देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि बारंबारताओं का जो योगफल होता है, संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट वाला जो होता है इसकी योगफल के बराबर होता है, यहां 25 आ गया, इसका टोटल 25 है, इसका मतलब कि संचयी बारंबारता सही निकला है। तो ये हो गया 10-10 के अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता, इसमें इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 15 अब यहां से 6 नंबर का शुरू होगा। तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नियम प्रकार है समांतर माध्यात के लिए, जो डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसके आधार पर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। में परीक्षार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या 3, 13, 18, 12, 4 है, तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमने ये टेबल बनाया है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, 0 से 10 का 3, 10 से 20 का 13, 20 से 30 का 18, 30 से 40 का 12 और 40-50 का 4, ये हो गया दोनों, ये जो दोनों है वो दिया हुआ है। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको एफ से डिनोट करेंगे, उसको एफ से दिखाएंगे, बारंबारता है। एक्स क्या है, एक्स हमको निकालना होगा, एक्स जो है ये जो वर्गंतराल है ना इनका मध्यमान है, यानी 0 और 10 है तो इनका मध्यमान 0 + 10/2, 0 + 10/2, 5 आ गया ना, अच्छा ये 5 आ गया ना, तो और सब निकालने की जोड़ करके बटे दो करने की जरूरत नहीं है, अंतराल कितने का है 10-10 का है ना, तो बस ऐसे करिए 5 में 10 जोड़ दीजिए 15, 10 जोड़ दीजिए 25, फिर 10 जोड़ दीजिए 35, फिर 10 जोड़ दीजिए 45, थोड़ा सा पास हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो एफ का एक्स में गुणा करना है, तो 3 + 15, 15 का 13 गुणा 15 = 45 और 15 × 15 = 19, ये फिर इसमें 18 + 90 और 18 × 36 = 45, 12 × 60 और 12 × 36 = 42, 12 × 60, 12 × 36 = 42, 4 × 4 = 16, 2 = 18, 180। अब बस हमको करना क्या है, देखिए फॉर्मूला में है सिग्मा एफ एक्स यानी कि इसको टोटल करना है और सिग्मा एफ यानी इसको टोटल करना है, यहां पर हमको मिलेगा सिग्मा एफ
बराबर कितना होगा, तीन तीन छह, आठ से चौदह, दो सोलह, चार बीस, हाँ सिलाए दो, तीन चार पांच, पचास। इसका टोटल कर दें, पांच पांच दस, दो नौ ग्यारह, हाँ सिलाए तेरह, एक एक दो, नौ ग्यारह, पांच सोलह, दो अठारह, अठारह आठ छब्बीस, हाँ सिलाया दो, एक तीन, चार सात, चार सात, सात चार ग्यारह, एक बारह। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, मान रख देते हैं, तो मान रख देंगे तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना रख देंगे, बारह सौ साठ बटे में पचास, ये कट गया। तो पांच दुना दस, दो पच्चीस, पांच पचे पच्चीस, पॉइंट वन जीरो, तो पांच दुना के दस, पच्चीस दशमलव दो, ये हो गया आंसर, ये हो गया समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर सोलह, अंक जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास अंतराल के रूप में दिया हुआ है। जीरो से दस अंक पाने वालों की संख्या छह, दस से बीस अंक पाने वालों की संख्या पंद्रह, सत्ताईस, नौ और तीन है। चालीस से पचास के बीच नंबर पाने वाले तीन छात्र हैं। अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, इन अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। देखिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, मैं फार्मूला इसलिए लिख दे रहा हूं, पहली बात कि फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरी बात ये कि जब फार्मूला पता रहेगा तो हम हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमको चाहिए उसको हल करने के लिए यहां से हम निकालेंगे। तो फार्मूला होता है माध्यिका मीडियन L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F N बाय टू माइनस कैपिटल F। यहां पर क्या है, L1 बारह पड़ता माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, F N पदों की संख्या बारंबारताओं का योगफल, और F ये संचयी बारंबारता है। कैसे इसको F को ज्ञात करेंगे हम लोग, जिसमें माध्यिका वर्ग होगा ना, माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होगा उसी को लेते हैं। तो अंक हो गया बारंबारता लिखे थे छ, पंद्रह, सत्ताईस, नौ और तीन। यहां पर हमको इसके लिए संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर लिख देते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता जब पता हो गया तो इसका टोटल निकाल लें, एन एन बराबर हो जाएगा छह पांच ग्यारह सात अठारह नौ सत्ताईस तीन तीस, तीन चार दो छह साठ। अब संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले छह लिख देंगे, छ में पंद्रह जोड़ेंगे, पंद्रह छ इक्कीस, इक्कीस में सत्ताईस जोड़ेंगे तो सत्ताईस इक्कीस अड़तालीस, अड़तालीस में नौ जोड़ेंगे तो सत्तावन, और सत्तावन में तीन जोड़ेंगे तो साठ। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग हम चर्चा किए कि संचयी बारंबारता का जो अंतिम अंतिम मान आता है बारंबारताओं के योगफल के बराबर होता है। तो ये साठ है, ये साठ है, इसका मतलब कि संचयी बारंबारता सही से निकला है। ठीक है, ये पहचान है इसकी। तो अब ये तो निकल गया, अब हम लोग देखिए n बराबर साठ है, n बराबर साठ दिस इंप्लाइज n बाई टू निकाल लें, साठ बटा दो कितना आ जाएगा तीस। n बाई टू निकालने का तात्पर्य यह रहा
कि अब ये 30 जो आया ना, इसको हम संचयी बारंबारता वर्ग में देखेंगे। संचयी बारंबारता में किसमें ये मिलेगा, तो 30 है ना, तो 30 देखिए 6 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है तो आगे बढ़ेंगे 48, लेकिन 48 से कम है तो इसका मतलब कि 48 में ही पड़ेगा। 21 से ज्यादा है तो उसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन कम है, 48 से कम है तो 48 में ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो F है, इसी संचयी बारंबारता का मान ही होता है, तो इसमें F जो है ये होगा, ठीक है। और चूंकि 30 इसमें पड़ा था, इसके सीध में आएंगे तो ये स्मॉल F हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसी के ठीक सीध में आएंगे तो ये बारंबारता वर्ग की ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा हो जाएगी। सारे सारे मान हमको L1 मिल गया, L2 मिल गया, F मिल गया, N पता ही है और F भी मिल गया, बस सिर्फ मान रखना है। तो सबसे पहला काम ना हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे, L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर 27 और कैपिटल F बराबर 21, स्मॉल F 27 है, कैपिटल F 21 है और N बराबर 60 है। N बराबर 60 क्या है? N by 2 बराबर 30 है ना, तो N by 2 की जरूरत पड़ेगी, तो N by 2 वहां पर है ही। तो चलिए मीडियम ME बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F N by 2 इंटू, अच्छा कहीं कहीं भी कैपिटल F जो यहाँ पे लिखा है ना, C भी होता है, कैपिटल C, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पर C भी लिखते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। N by 2 माइनस C, अच्छा कहीं कहीं ऐसा होता है कि N by 2 माइनस C यहाँ पर लिख देते हैं और L2 माइनस L1 यहाँ पे होता है, तो L2 माइनस L1 मीन्स वर्ग अंतराल है, L2 में से L1 घटा देंगे, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10, और 10 क्या है, अंतराल है ना, इंटरवल है, तो यहां पर I भी लिख देते हैं कहीं कहीं, देखिए इस तरह से फॉर्मूला होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉरी प्लस L2 माइनस L1 बटे में F और यहां पे N by 2 माइनस सी, सॉरी हम जो लिखना चाह रहे थे उल्टा हो गया, यहां पर N by 2 माइनस सी इंटू आई मतलब इंटरवल, ये होता है। तो इसमें जब मान रखना होगा तो हमारे L1 बराबर 20 हो जाएगा, N by 2 30 हो जाएगा, सी 21 हो जाएगा और आई बराबर 10 हो जाएगा, बस उसमें मान रख देंगे वो हो जाएगा। दो ये और ये दोनों एक ही फार्मूला है दोनों, बस यहाँ L2 माइनस L1 को हमने I लिख दिया और N by 2 माइनस F का जो यहां पर है उसको यहां पर लिख दिया, कोई फर्क नहीं। चलिए हम मान लेते हैं L1 20 प्लस L2 माइनस L1 मीन्स 30 माइनस 20 बटे में F 27 और इंटू N by 2 30 और माइनस F 21 क्या हो गया, 20 प्लस 10 गुणे 9 बटे में 27 3, तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33, 20 प्लस 3.33 मीन्स 23.33 ये आंसर होगा। और ये आंसर मेरा सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हम देखेंगे जो हमारा माध्यिका वर्ग में जो वर्ग अंतराल का जो अंतराल मिला था 20 और 30,
ये मान 20 और 30 के बीच में ही होना चाहिए, 20 से कम नहीं हो सकता है और 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये मान लो मेरा जो अंतराल हमको मिला है यहाँ पर, जैसे 20 और 30 मिला था ना, तो हमारा जो अब यहीं पर आंसर देखिए हमारा एकदम फिक्स हो जाता है कि आंसर जो आएगा वो 20 और 30 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि यही माध्यिका वर्ग का अंतराल है। माध्यिका वर्ग का अंतराल है का मतलब माध्यिका 20 और 30 के बीच में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 से 30, 20 से लेकर 80 से 90 तक पारंपरिकता भी दिया हुआ है। तो इसकी हमने टेबल बना लिया, इसका हमने टेबल बना लिया। इसमें बहुलक ही एक ऐसा होता है जिसमें कालम बहुत कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, सिर्फ दो कालम होते हैं, वर्ग अंतराल और पारंपरिकता, और इसमें अलग से कुछ नहीं बनाना होता है। माध्यिका में तीन होता है, वर्ग अंतराल, पारंपरिकता, संचयी पारंपरिकता, सबसे ज्यादा कालम समांतर माध्य के लिए होता है। चलिए ठीक है छोड़िए उसको। तो क्या क्या जरूरत है, जरूरत हम फार्मूले के हिसाब से करेंगे। तो बहुलक देखिए, जब फॉर्मूला याद है ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। एम ओ होता है मोड, एल वन या एल कर दीजिए, एल वन या एल एल वन कर दीजिए, अच्छा एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई होता है। अब ये F1, F0, F2, L1, I क्या क्या है हम लोग यहां से पता करेंगे। I मतलब होता है इंटरवल, वर्ग अंतराल कितने का वर्ग अंतराल है, 10 10 का है ना, 20 से 30 10 का अंतर है, 30 से 40 10 का अंतर है, तो अंतराल 10 10 का है, यानी I का मान 10 होगा, इंटरवल 10 है। L1 और ये सब क्या क्या होगा देखिए, तो यहां से पता करेंगे। बारंबारता में F1 का पता करने के लिए हम इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक ये है 30 है, तो ये मेरा हो जाएगा F1, ठीक है। इसके ठीक ऊपर वाला F0 होगा और उसके ठीक नीचे वाला F2 होगा, ठीक है। F1 के ठीक सामने आएंगे तो जो अंतराल होगा ये हो जाएगा L या L1, इसको कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। और I का मान 10 है तो यहां पर लिख लेते हैं F1 बराबर 30, F0 बराबर 16, F2 बराबर 15, L वन या एल कर दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 50, और आई का मान 10। अच्छा इससे ये भी पता हो गया ना कि 50 से 60 के बीच में आएगा, यहां से ये क्लियर हो गया कि जो बहुलक है वो 50 और 60 के बीच में आएगा। तो फॉर्मूला बना देते हैं, एमओ बराबर एल वन 50 प्लस F1 माइनस F0, F1 30 माइनस F0 16 बटे में 2 इंटू F1 का मतलब हो गया 30 माइनस F0 16 माइनस F2 15 और इंटू इंटरवल जो है 10, तो ये हो गया 50 प्लस 14 गुणे 10 ऊपर जाएगा बटे में 60 माइनस 31, तो 50 प्लस 140 बटे में कितना 29, 29 तो कट नहीं रहा है। इसके बाद ये हो जाएगा 50 प्लस ये 4.82 जोड़ देंगे हो जाएगा 54.8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक।